सो गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं शिवाना समुद्र पावर जनरेशन कैनाल के सामने एंड कावेरी रिवर यहाँ पे पूरी शांत है एंड साइड में ही माउंटेन्स का व्यू रियली अमेजिंग। सो गाइस, अभी सुबह के 10:30 बज रहे एंड हम लोग जा रहे कोलेगाल रोड से 3.4 किलोमीटर्स और जाने के बाद हम लोग बाराचुकी फॉल्स रोड पकड़ेंगे। हम लोग को लगभग और 10 किलोमीटर्स कवर करना है, उसके बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं कावेरी रिवर का ब्रिज, सो आगे चल के आपको व्यूज दिखाते हैं एंड यहाँ पे कुछ प्यारे से बंदर हम लोग का वेलकम करते हुए। अभी हम लोग रुके हैं अपने नेक्सी को खाना खिलाने एंड यहाँ का पेट्रोल प्राइस है 102.10 पर लीटर। सो गाइस, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, एक हल्के हल्के हवा चल रही एंड जस्ट सीनरी देखिए बाहर का, बहुत ही सुंदर है। तो गाइस, ये जो सामने वाइट कलर का जो है, ये सब इसको हम लोग काश फूल बोलते हैं बंगाली में, मुझे हिंदी में इसका नाम नहीं पता, लेकिन बेंगलोर में मैंने ये पहली बार देखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा। ये जो काश फूल है ये दुर्गा पूजा से पहले ही ग्रो करता है एंड इसको देखकर ही दुर्गा पूजा वाली फीलिंग आती है, बंगालीज कैन अंडरस्टैंड इट्स ट्रू इमोशन। तो हम लोग पेट्रोल लेके निकल पड़े। सो गाइस, चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग बाराचुक्की फॉल्स रोड से जा रहे हैं और बस 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड 11 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। এটা ভালো রুটটা না ওটা ভালোটা যাই না লোকের লেখা আছে কি লেফট So guys, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कावेरी रिवर ब्रिज बाराचुक्की फॉल्स रोड वाला, ये दूसरा वाला रिवर ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, इससे पहले और एक हम लोग क्रॉस करके आए अभी। सो गाइज, हम लोग को एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट मिला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। वहाँ पे है रिवर, हम लोग पैदल जाके रिवर तक पहुँचते हैं। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुँच गए, अब आपको व्यूज दिखाते हैं। ये देखिए सामने पूरा माउंटेन्स है एंड उसके साथ ही में रिवर भी है, एनवायरनमेंट भी पूरा शांत है, सीरियसली वी आर एंजॉयिंग दिस एंड इस नदी पार ठंडी ठंडी हवा भी चल रही, बहुत ही अच्छा जगह है ये।
सामने काउस पूरा रास्ता ब्लॉक कर चुकी है एंड यहाँ के काउस के सींग कितने बड़े बड़े हैं। गाइज राइट में एक मंदिर है, इस बाराचुकी फॉल्स रोड में काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो। फाइनली पूरी गाय की झुंड को हम लोग पार किए, चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज ये पार्किंग टिकट है बाराचुक्की फॉल्स का, 20 रुपीज कटा फॉर 4 व्हीलर। सो गाइज फाइनली हम लोग बाराचुक्की फॉल्स पहुंच चुके, तो सबसे पहले अभी हम लोग कार पार्क करेंगे एंड देन व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे। सो फाइनली हम लोग अपना कार पार्क करवा चुके हैं एंड हम लोग वॉक करते हुए व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं एंड यहाँ पे काफ़ी पार्किंग स्पेस है, तो हम लोग भी अपनी नेक्सी को लगा दिए एक शेड के नीचे। सो गाइज फाइनली हम लोग हैं बाराचुकी फॉल्स के सामने एंड यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, जस्ट देखिए आप लोग। तो गाइज यहाँ पे थोड़े बहुत सिटिंग प्लेसेस बने हुए हैं, तो इस गर्मी में पेड़ की छाँव में आप लोग बैठ के चिल कर सकते हो और फॉल्स का व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो अभी का जो व्यू दिखाए थे वो जस्ट ऊपर से ही हम लोग दिखाए थे फॉल्स का व्यू, अगर आपको और सामने जाना है नीचे जाना है स्टेयर से तो आपको 5 रुपये का टिकट काटना पड़ेगा। सो गाइज हम लोग टिकट्स ले चुके एंड देखते हैं स्टेयर्स का रास्ता कितना नीचे तक जाती है। Thank you.
तो गाइस स्टेयर्स का जो रास्ता है यहाँ पे पूरा बैरिकेड किया हुआ है, तो इसे नीचे जाना हम लोग को अलाउड नहीं है। अभी हम लोग ऊपर चढ़ के पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। सो गाइज यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है, पीछे है पूरा माउंटेन्स और इस साइड है बाराचुकी फॉल्स का व्यू। बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग भी अपना वीकेंड्स यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। एंड बैंगलोर से ये वन डे ट्रिप है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, सिर्फ 20 रुपीज़ लगा हम लोग का पार्किंग फी और 5 रुपीज़ लगा अगर आपको फॉल्स का व्यू और सामने से देखना है। इवन यहाँ पे बहुत सारे खाने के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो अगर आप लोग भी चाहते हो वीकेंड्स पे आना तो बेहिचक आइए यहाँ पे। सो गाइज ये प्लेस मानसून के टाइम अगर आप विजिट करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उस टाइम पानी का फ्लो ज़्यादा रहता है। सो गाइज यही था हम लोग का बाराचुक्की वाला ट्रिप। कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको हम लोग का व्लॉग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग सीरीज, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।